अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ट्रांसलेटेड पेज नंबर 17। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट पैराग्राफ नंबर 7 एंड वी विल सॉल्व आवर ग्लोसरी एंड सम पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर पेज नंबर 18 पैराग्राफ नंबर 7। चाइनीज न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया साल एक वक्त है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब खानदानों को इकट्ठे होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, ताकि वो शुक्रिया अदा कर सकें, फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, उस साल के लिए जो गुजर गया, एंड री एनवोगेट देमसेल्व्स, और ताकतवर करने के लिए खुद को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। री एनवोगेट, ताकतवर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर ग्लोसरी। जी, ग्लोसरी। द फर्स्ट वर्ड इज एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स तल्लुक, लिंक। सेलिब्रेशन, जश्न, पार्टी आर फंक्शन। कस्टमरी, रिवाज, ट्रेडिशनल। गैदरिंग्स, इज्तमा, मीटिंग। लूनर, कमरी, मून आर रिलेटेड टू मून। पार्टेक, हिस्सा लेना, टेक पार्ट। रेस्पियंट, मसूल करने वाला, रिसीवर। री एनवोगेट, ताकतवर, स्ट्रेथन। सिम्बलाइज, अलामत, सिंबल। ट्रेट्स, खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज वोकेबलरी पार्ट ए। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन। कह रहे अल्फाज के मतलब बताएं जिस तरह से वो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज गैदरिंग्स। गैदरिंग्स यानी इज्तमा, मीटिंग। कस्टमरी, रिवाज, ट्रेडिशन। थ्रूली, मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली। कॉमन प्लेस, मामूल, ऑर्डनरी। पार्टेक, हिस्सा लेना, टेक पार्ट। ट्रेट्स, खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स। रीएनवोगेट, ताकतवर होना, स्ट्रेथन। पार्ट बी, फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज गैदर। गैदरिंग इज अ नाउन। देयर इज अ गैदरिंग इन अलीज हाउस। अली के घर में गैदरिंग है या इज्तमा है। सिम्बॉलिक, अलामत, सिंबल इज अ नाउन। द रोज इज सिंबल ऑफ लव। क्योंकि सिंबल किसी चीज़ का नाम है इसलिए ये नाउन है। इसी तरह गैदरिंग किसी चीज़ का नाम है, ये नाउन है। प्रॉस्पर, खुशहाल, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, नाउन। मे गॉड ब्लेस अस विद प्रॉस्पेरिटी। डेकोरेट, सजावट, डेकोरेशन, सॉरी डेकोरेट, सजाना, डेकोरेशन, सजावट। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द डेकोरेशन ऑफ द हाउस। उसने घर की सजावट में बहुत सारा वक्त गुजारा। इनकरेज, हौसला, इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट। मैं उसके हौसला अफजाई के अल्फाज कभी नहीं भूल सकता। Now let's move towards other part of our exercise. Reading comprehension. Choose the correct option. सही option का इंतखाब करें। Chinese New Year falls somewhere. चीनियों का नया साल शुरू होता है। C option पर choose करेंगे, between January 21st and February 20th. क्योंकि हमने lesson में ये पढ़ा है। Paragraph 1 gives. Paragraph 1 हमें देता है अ जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कहते हैं कि आम मालूमात फेस्टिवल की या त्यौहार की। स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, या फिर ख़ास मालूमात चीनी न्यू या चाइनीज़ न्यू ईयर की। जनरल डिटेल ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, या फिर आम मालूमात नए साल के मनाने की। स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी ख़ास मालूमात चीनियों के नए साल की। पेज नंबर 20, थर्ड पार्ट। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़ टू थ्रोली क्लीन देयर हाउसेज। घरों ख़ानदानों के लिए ये रवायत है कि वो मुकम्मल तौर पर घरों की सफाई करते हैं। बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर। हमने लेसन में पढ़ा था बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल से एक दिन पहले। ए को चूज़ करेंगे। हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज़ मीन्स, कहते हैं कि घरों और दरवाज़ों की खिड़कियों पर इश्तहारात सजाने का मतलब है लव एंड सिंसेरिटी, केयर एंड अफेक्शन, लक एंड हैप्पीनेस। सी को चूज़ करेंगे, लक एंड हैप्पीनेस। इनवेल्प्स आर नॉट टू बी ओपन्ड अनटिल, लिफाफे नहीं खोले जाते जब तक द गिवर हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपिएंट।
The recipient has left the home of the giver. The giver has gone to sleep. बी पार्ट को चूज़ करेंगे. द रेसिपियंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर. जब तक मसूल करने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए. स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. उससे पहले हम ग्रामर की तरफ मूव करेंगे. कलेक्टिव नाउन्स. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन्स, व्हेन अ नंबर ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर, जब ज़्यादा तादाद में चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए, एंड स्पोकन एज वन होल, और उन्हें एक बोला जाए, इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, आपके ख़ानदान में 6 to 7 मेंबर्स होते हैं फैमिली में, लेकिन आप उसे कभी फैमिलीज प्रनाउंस नहीं करते, आप उसे हमेशा फैमिली प्रनाउंस करते हैं. इसी तरह क्लास में आप 30 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आपको कभी क्लासेस प्रनाउंस नहीं किया जाता, आपको हमेशा क्लास प्रनाउंस किया जाता है. इसी तरह फ्लीट, कदार में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं, लेकिन हम उसे कभी फ्लीट्स प्रनाउंस नहीं करते, हम उसे फ्लीट प्रनाउंस करते हैं. सेम क्राउड एंड ऑडियंस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन. कहता है कि सही कलेक्टिव नाउन से खाली जगह को पूर करें. इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के लिए आम है. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक 8 to 9 डिशेज, यानी यहाँ पर फैमिली आएगा. टू, द फिल इन द ब्लैंक्स अपलॉडेड हार्टेडली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट. ऑडियंस, ठीक है. द फिल इन द ब्लैंक्स हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन. क्लास. द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस. गैंग. अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पीपल गैदर एट द एक्सीडेंट साइट. क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल. द फिल इन द ब्लैंक्स टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग. कमेटी. द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुकड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म. क्रू. So students, this is your lecture for today. I hope you understand it. If you have any question, you are free to ask. Shukriya Allah.